यस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। 11 अकाउंट्स कैश बुक एंड इंटरेस्ट टाइप्स, रोकड़ बही और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कल मैंने थ्योरी का पार्ट बताया था। कैश बुक किसे कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंस सब मैंने आपको समझाया है। अभी क्या है, उसके जो अलग अलग जो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, सिंपल कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक और थ्री कॉलमनर कैश बुक। फर्स्ट जो पार्ट है उसका टाइप है सिंपल कैश बुक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैश बुक किसे कहते हैं, जिस बही में सिर्फ रोकड़ के ही व्यवहार लिखे जाते हैं, रोकड़ या रोकड़ से संबंधित व्यवहार लिखे जाते हैं, उसे कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप है सिंपल कैश बुक, उसका जो फॉर्मेट किस तरह, उसका नमूना, उसका स्पेसिमेंट कैसे बनता है, उसके बारे में देख लेंगे। इसमें क्या होता है, सिंपल कैश बुक सिर्फ एक ही कॉलम उसके अंदर बनता है, सिर्फ कैश। ठीक है, एक ही कॉलम बनेगा सिर्फ कैश का, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके उसके लेफ्ट साइड में डेबिट साइड और उसके राइट साइड में क्रेडिट साइड। ठीक है, फर्स्ट डेट का कॉलम आता है, जिस दिन हमको कोई भी आवक हुई है, इनकम हुई है, उस दिन की तारीख यहाँ पर दर्शाई जाती है। फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या, विवरण, जिस तरह का व्यवहार हो, अगर हमने सेल किया है टू सेल, अगर बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस पीडी, अगर पैसा धंधे में आ रहा है तो टू कैपिटल, यानी जो भी विवरण हो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद रिसिप्ट नंबर, आर एंड रिसिप्ट नंबर, समझे, रिसिप्ट नंबर यानी जब हमने किसी को माल भेजा हो तब क्या सामने वाला पर्सन हमको क्या करता है, जो हमको बिल वगैरह देता है उसमें क्या रिसिप्ट नंबर होता है, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं। लेजर पोलियो नंबर, लेजर पोलियो नंबर मीन्स क्या, किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी एंट्री होगी, फर्स्ट हम अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसका क्या क्या निकालते हैं, लेजर सॉरी जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री की जहां पर पोस्टिंग करते हैं, जिस पेज पर हमने पोस्टिंग की है वह पेज नंबर यहां पर दर्शाया जाता है, लेजर का पेज नंबर यहां पर दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है, इन फ्यूचर भविष्य में हम उसको इजीली नोट सकें। ठीक है, वहाँ पर पेज नंबर लिखा होगा तो वहाँ देख लेंगे कि हमने एंट्री क्या की, कौन सी एंट्री की है। फिर अमाउंट, जो भी हमको इनकम हुई है, जो भी आय हुई है, ठीक है, जो भी हमको इनकम वगैरह हुई है, जो भी हमको इनकम वगैरह हुई है उसका विवरण, उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर और भी ऐसे भी इजीली कर सकते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों राइट पर्टिकुलर लिखते हैं, विवरण बुक में ऐसे एग्जांपल में दिया है विवरण लिखा है, और अगर रिसिप्ट और पेमेंट लिखे तो भी राइट माना जाएगा। ठीक है, अगर हम रिसिप्ट पेमेंट लिखते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा, रिसिप्ट यानी हमको आए और पर्टिकुलर यानी पेमेंट यानी हमें कहाँ पर भुगतान किया, उसका विवरण यहाँ पर दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेबिट साइड कंप्लीट तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड यानी हमने जो भी पेमेंट वगैरह की है, हमने धंधे में रकम जो भुगतान किया है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है, उस दिन की तारीख दर्शाई जाती है, पर्टिकुलर यानी विवरण कहाँ पर हमने खर्चा किया है, वेजिस चुकाई है, सैलरी चुकाई है, या फिर हमने माल वगैरह परचेस किया है, वो सब का विवरण यहाँ पर दर्शाया जाता है। फिर वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर इट मीन्स क्या, हम किसी के लिए बिल वगैरह बनाते हैं तब उसमें वाउचर नंबर होता है, वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। एल एफ लेजर पोलियो नंबर, जहाँ पर एंट्री हुई है, पेज नंबर और अमाउंट, जिस विवरण का जो भी हमारे व्यवहार हुआ उसका रकम यहाँ पर लिखी जाती है। बिल्कुल सरल है, ठीक है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ कैश बुक में कौन से
व्यवहार लिखे जाते हैं, कैश के रिलेटेड सिर्फ लिखे जाते हैं। आई होप सो आपको उसका कैश बुक का फॉर्मेट, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अभी क्या कहेंगे, हमारा जो बुक है बुक में अभी इसके सम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर 184 पर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों से देखा प्राप्ति की रोकड़ बही तैयार कीजिए। हम क्या करना है, कैश बुक बनाना है। ठीक है, तो नीचे देख लेंगे कौन सा फॉर्मेट से हमको बनाना है, देखेंगे तो सिर्फ कैश के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन है तो एक ही इसमें कॉलम बनेगा सिर्फ कैश का। ठीक है, कैश का ही इसमें कॉलम बनेगा। जब टू कॉलम या थ्री कॉलम मैं आपको उस टाइम सिखा दूंगा। अभी सम स्टार्ट करेंगे, कौन सा मंथ दिया है, जून 2015 और प्लस जून 2015। ठीक है, सिंपल कैश बुक और इधर तो नाम कुछ नहीं दिया है, डैश डैश फॉर द जून 2015 जैसे करके पूरा का पूरा फॉर्मेट के अंदर हम लोग सम्स करते जाएंगे। फर्स्ट व्यवहार पढ़ते जाएंगे और सम साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बुक खुली रखना और सम साथ में करते जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 184 2015 में इसको स्टार्ट करेंगे। 2015 जून 1, ठीक है, जून से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर भी ऐसे लिख देंगे 2015 जून। ठीक है, अभी फर्स्ट हमारा प्रारंभिक रोकड़ शेष ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को कैसे दिखा दे, ओपनिंग बैलेंस को जून एक के दिन क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस जीरी, कितना दिया आपको 10,000। विवरण में लिखेंगे टू बैलेंस जीरी और सेट 10,000 अमाउंट के कॉलम। फिर सेकंड रोकड़ बिक्री कैश सेल्स, सेल हो रहा है तो हमारा क्या होगा, रिसीप्ट होगी, आय होगी, तो हमको वहां दर्शाएंगे डेबिट साइड इनकम हो और डेबिट साइड एक्सपेंस हो तो क्रेडिट साइड सब सीधा बन जाए। डेबिट साइड इनकम दर्शाएंगे और क्रेडिट साइड क्या दर्शाएंगे, एक्सपेंस। और कैश बुक में कौन से व्यवहार लेके जाते हैं, सिर्फ कैश करेंगे, अगर उधार व्यवहार आता है तो उसे नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, आया सबको समझ में। अभी हम थोड़ा स्पीड से लेंगे, कैश बिक्री रोकड़ बिक्री कितनी 3,000 तो आय हो रही है, कौन सी तारीख के दिन, 2 जून के दिन, डैश डैश कर देंगे यहाँ पर, डैश डैश लिख देंगे टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना है अकाउंट 3,000, रिसीप्ट नंबर कुछ भी नहीं दिया है तो 3,000 लिख देंगे। फिर इसके बाद तीसरा व्यवहार, धंधे में अधिक रकम की जरूरत होने से रुपए 2,000 नकद धंधे में लेकर, तो क्या हो रहा है, हम लोग एक्स्ट्रा मनी लेकर बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा कुछ मालिक लेके आए तो उसे क्या दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तारीख के दिन 3 जून टू कैपिटल, कितना अमाउंट है 2,000। इसके बाद रोकड़ खरीदी कितनी है, कैश परचेस है कितना 6,000, कैश परचेस कितना 6,000, धंधे के अंदर इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रहा है। पेमेंट साइड टू जून, कौन सी तारीख है, जून 5 तारीख बाय परचेस, कौन सी परचेस है, वो भी कैश परचेस है, भाव के नंबर कुछ भी नहीं दिया है, कितने की परचेस कर रहे हैं हम लोग 6,000। फिर वेतन का 1,000 और दलाली का 1,500 रोकड़ से चुकाया, हमने चुकाया है तो इसमें दिखाएंगे कौन सी तारीख का दिन है, जून 7 बाय सैलरी अकाउंट, इसी तारीख के दिन 7 के दिन बाय सैलरी है, दूसरा कौन सा है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज सैलरी कितनी है 1,000, ब्रोकरेज कितना है
1500, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर व्यवहार, छठा नंबर, द्रोण के पास से रुपए 5000 का माल रोकड़ से खरीदा, परचेस की कैश परचेस, ठीक है। और दिखाएंगे जून 9 बाय परचेस कितना है 9000, सॉरी कितना अमाउंट है 5000। फिर जून 11 मानसी को रुपए 6000 का माल रोकड़ी से बेचा, नहीं नकद से बेचा है, बेचा है तो हमारी इनकम हो रही है, ठीक है, हमारी इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो किस साइड लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड। कौन सी तारीख है 11 जून, टू क्या लिखेंगे इसको, टू सेविंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 6000। फिर इसके बाद नेरोती को रुपए 3000 गत मास में खरीदे माल बेटे चुके, हमने परचेस किया है, नेरोती को हम लोग पे कर रहे हैं, वो लिखेंगे पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड बाय नेरोती अकाउंट कितना 3000। कौन सी तारीख है 19 बाय नेरोती अकाउंट कितना आएगा, कितना अमाउंट है इसका नेरोती का 3000। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, किंजल ने रुपए 1500 गत मास में बेचे माल के बेट किंजल ने चुकाए, चुकाए तो हमको मिले कितना 1500, हमको 1500 की इनकम होगी किंजल के पास से, तो लिखेंगे कौन सी तारीख है इनकी किंजल की 23 तारीख बाय 23 जून टू किंजल अकाउंट कितना अमाउंट है किंजल का 1500। फिर इसके बाद रुपए 600 पुरानी साइकिल धंधे के लिए खरीदी, हमने क्या किया भाई साइकिल वगैरह खरीदी, तो एक प्रॉपर्टी ली साइकिल टू सॉरी परचेस की, तो साइकिल का नाम दिखाएंगे टू साइकिल बाय साइकिल अकाउंट कितने की, कौन सी तारीख है 25 तारीख 25 बाय साइकिल अकाउंट कितने की है 600 की। फिर इसके बाद 1000 कमीशन का मिला, हमको इंकम हो रही है, इनकम किस साइड दर्शाते हैं डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट कितना 1000। कौन सी तारीख 28 तारीख 28 टू कमीशन अकाउंट 1000। फिर इसके बाद 3500 यंत्र धंधे के लिए खरीदा, हमने मशीनरी परचेस की है, परचेस की है तो क्या होगा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस की साइड दिखा देंगे क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट कितने की है 3500 तारीख 30 बाय मशीनरी अकाउंट कितना, मशीनरी कितने की हमने परचेस की है 3500 की। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का टोटल देखेंगे, किस साइड टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, ठीक है, तो हम टोटल करेंगे, टोटल किस साइड ज्यादा है डेबिट साइड का कितना 23500, ठीक है, टोटल कितने 23500 और 30 जून के दिन बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 23500 में से ये सब फिगर्स लेस कर देंगे तो कितना आएगा, करो लेस करो कितना आ रहा 2900,
बिल्कुल सरल समय कैश बुक में कौन से व्यवहार लेके जाते हैं सिर्फ कैश के रिलेटेड, ठीक है। नो आई होप सो आपको समझ समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल अभी सिंपल, एक ही कॉलम वाला कैश बुक है, अभी दो कॉलम वाला आएगा, फिर तीन कॉलम वाला। एग्जाम में मोस्ट कौन सा बुक किया जाता है, थ्री कॉलम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आपको होमवर्क में क्या करना है, होम असाइनमेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर वन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।